नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के लिए यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी का यहाँ पे काफी सारा सवाल आ रहा था कि पार्ट वन का रिजल्ट कब आएगा, पार्ट टू का डुप्लीकेट रिजल्ट कब ठीक होगा, और यहाँ पे सवाल ये भी आ रहा था कि हमारे पार्ट थ्री का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाने वाला है वो कब से भरा जाएगा। तो मैं आपको इसी के ऊपर आज जो ये रिपोर्ट देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को करना लाइक, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करना सब्सक्राइब। आपके लिए बहुत जल्द कुछ ना कुछ नया आने वाला है इस चैनल के ऊपर। तो चलिए हम सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं कि 2018 से 21 सेशन वाले ऐसे जो भी स्नातक के बच्चे हैं जो भी ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन दे चुके हैं पार्ट वन का जनवरी में 2020 में जो इनका जो एग्जामिनेशन हुआ था उनका रिजल्ट निकलना था मार्च 28 को, लेकिन यहाँ पे मार्च 28 को रिजल्ट ना निकल करके डिले हो गया। और यहाँ पे जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन थी इसके कारण जो है आपका रिजल्ट डिले हो गया, और कहा अब ये जा रहा है कि आपके जुलाई में जो है रिजल्ट्स निकलेंगी। और अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कलमबद्ध यहाँ पे जो भी आपको जो आंदोलन चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, इसके वजह से यहाँ पे कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका है। और इसके वजह से जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका पार्ट टू का रिजल्ट आया था, 17 से 20 सेशन वाले जो भी बच्चे थे जिनका पार्ट टू का रिजल्ट यहाँ पे निकला था 29 फरवरी को, उनका जो है रिजल्ट अभी ठीक होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि उनका जो डुप्लीकेट रोल नंबर और डुप्लीकेट रजिस्टर्ड नंबर का यहाँ पे जो बहुत सारा प्रॉब्लम देखा गया था, तो इसको ठीक होने में अभी भी समय लग सकता है। अब हम यहाँ पे जरा सा बात कर लेते हैं कि पार्ट थ्री की एग्जामिनेशन कब होगी। तो ये भी जो एक्सपेक्टेड डेट जो बताई जा रही है वो जुलाई की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है आज के हिंदुस्तान अखबार के अनुसार अगर आप देखें। और मैं अगर यूनिवर्सिटी की बात कहूँ तो अभी भी जुलाई के लिए टाल दिया गया है। राजभवन से अभी अगर कोई अपडेट निकल के आता है तो आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक के जो भी रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि फिलहाल जो ये लॉकडाउन 31 मई तक है इसके आगे भी एक्सटेंड होने के खबर जो है निकल रही है। और इसके बीच ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्जामिनेशन भी लिए जाने की बात कही जा रही है। तो अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि जून में एग्जामिनेशन होगा या जुलाई में होगा, तो यहाँ पे सीबीएसई ने अपनी जो है गाइडलाइंस निकाली है 10th और 12th के एग्जामिनेशन के लिए जो भी उनकी एग्जामिनेशन बची हुई थी। तो उन्होंने बोला है कि जुलाई के 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक वो लोग एग्जामिनेशन ले लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार यूनिवर्सिटी भी, बिहार की चाहे जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो भी आपको एग्जामिनेशन लेने के लिए जुलाई की ही डेट्स बता रही हैं, कह रही हैं कि हम आपको जुलाई में एग्जामिनेशन ले लेंगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी भी पार्ट थ्री की एग्जामिनेशन फॉर्म और साथ ही साथ एग्जामिनेशन भी जुलाई में लेगी। और पहले कौन सी एग्जामिनेशन होगी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपकी एग्जामिनेशन होगी पार्ट थ्री की 17 से 20 सेशन वालों की, क्योंकि उनका जो सेशन था खत्म होना था 2020 में, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से और सेशन लेट हो गया और उनकी जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट इस बार नहीं हो पाई समय से। तो अब जो है आपको जो है सबसे पहले जुलाई में ली जाएगी पार्ट थ्री की एग्जामिनेशन 17 से 20 वालों की। उसके बाद पार्ट टू वालों की यहाँ पे एग्जामिनेशन ली जाएगी जो कि 18 से 21 सेशन वाले हैं, उनको भी यहाँ पे टाइम पे करने की बात कही जा रही है यूनिवर्सिटी के लोगों की तरफ से और यूनिवर्सिटी के जो भी कम्युनिटी है मेंबर्स हैं उनके तरफ से। और उसके बाद जो है ऐसे बच्चे आते हैं 2019 से लेकर के जो 22-17 वाले जो भी बच्चे आ जाते हैं ग्रेजुएशन वाले, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि उनका एग्जामिनेशन हो सकता है 2020 के एंड में हो जाए अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन अगर ठीक रहा, अगर खुल गया लॉकडाउन तो, और नहीं तो अगले साल फिर लिया जाएगा। और तो और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन की, तो एडमिशन के लिए अभी भी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। एडमिशन के ऊपर कहा जा रहा था कि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के यहाँ पे सीबीएसई की रिजल्ट्स नहीं आई हैं और अभी भी बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी हैं और ओरिजिनल मार्कशीट बन के आना बाकी है। इसके वजह से अभी भी एडमिशन का प्रोसीड्यूर अभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा ऑनलाइन। तो आप सभी यहाँ पे धैर्य बनाए रखिए और इंतजार करते रहिए, जैसे ही कोई रिपोर्ट निकल के आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा प्रशांत। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो। आपका कोई भी सवाल या सुझाव या कुछ भी ऐसा मतलब क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।